नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि कल होली है, कल होली खेलने वाले हैं सभी लोग और आज रात को होलिका का दहन है, यानी होली जलने वाली है। तो आपको ये पता कि होली की जो रात होती है बहुत ही खास रात होती है, उसमें बहुत सारी तांत्रिक क्रियाएँ जो होती हैं वो इस समय की जाती है। वैसे मैं आज आपको कोई तांत्रिक क्रिया तो बताने वाला नहीं हूँ, लेकिन उसी से रिलेटेड या उसके इक्विवेलेंट कुछ ऐसी आपको उपाय बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे प्रयोग बताने वाला हूँ जिसको अगर आप करते हैं तो आपका जीवन जरूर सफल हो जाएगा और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अलग अलग काम के लिए यूज़ की जाती है। तो चलिए, अगर आपको भी जानना है कि वो कौन सी चीज़ें हैं जो होलिका में देने से या होली में जलाने से आपको किस फल की प्राप्ति होती है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपने अक्सर लोगों को देखा होगा कि जो गेहूं की बाली होती है और कंडे से बने हुए, यानी कि गाय के गोबर से बने हुए कुछ आकृति होती है जिनको उसमें जलाया जाता है होली में, ये तो एक सामान्य चीज़ है। लेकिन मैं आज आपको कुछ खास चीज़ें बताने वाला हूँ पहले उपाय की। अगर मान लीजिए आपका स्वास्थ्य खराब रहता है, अक्सर कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके स्वास्थ्य के संबंधित चलती रहती है, अगर ऐसी परेशानी से आप जूझ रहे हैं तो आपको होली का जब दहन हो रही हो, जब होली का जल रही हो, उस समय आप काले तिल जरूर उसमें डालिए। कुछ काले तिल ले लीजिए और उसमें जैसे हम सुहाग करते हैं उस टाइप से आप उसमें छोड़ दीजिए और उस होली का जब जल रही होगी उसके आप एक परिक्रमा या पाँच परिक्रमा या तीन परिक्रमा लगा के आप घर आ जाइए। अगर ये ऐसा करते हैं आप होली का जलते समय, इससे आपके स्वास्थ्य में जरूर सुधार आएगा और आपको इस प्रॉब्लम से मुक्ति मिलेगी। चलिए हम बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। अगर मान लीजिए आप किसी बीमारी से ग्रसित हैं, अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था वो स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम थी, लेकिन अब मैं बीमारी की बात कर रहा हूँ कि कोई ऐसी बीमारी जो लगातार बहुत सालों से चली आ रही है और उस बीमारी के कारण आपको अक्सर प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, तो ऐसी अगर स्थिति आपके साथ है तो आप होलिका की रात को, यानी जब होलिका जल रही होगी उस समय आप हरी इलायची और कपूर, उस दोनों चीज़ों को आप उसमें डाल दीजिए, ठीक है, और उसके बाद उसको ही परिक्रमा करके आप घर आ जाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो इसमें आपको जरूर राहत मिलेगी। बात करते हैं हमारे तीसरे उपाय की। अगर आप धन संबंधी परेशानी से जूझ रहे हैं, आपकी परेशानी ऐसी है जो पैसे से रिलेटेड है, यानी कि घर में धन संपदा की कमी है, तो अगर आप होलिका में चंदन की लकड़ी जलाते हैं, यानी चंदन की लकड़ी कुछ छोटी सी ले लीजिए और उसमें जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको इलायची के बारे में बताया, इसी टाइप से आप चंदन की लकड़ी भी उसमें जला सकते हैं। इसके मतलब ये नहीं कि आपको बहुत बड़ी लकड़ी लेके आना है, छोटी सी लकड़ी है तो भी आप उसमें जला सकते हैं और फिर वही परिक्रमा करके आप घर आ जाइए। तो इस प्रकार अगर आप करते हैं तो धन संबंधी जो प्रॉब्लम है वो इससे आपको निजात मिलेगी। अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो बेरोज़गार हैं और आप अपने लिए कोई रोज़गार ढूंढ रहे हैं, कोई सर्विस ढूंढ रहे हैं, कोई अच्छी जॉब में आप जाना चाहते हैं, कोई इंटरव्यू आपको जिसे आपको फेस करना है, इस प्रकार की कोई भी समस्या अगर आपके सामने, रोज़गार से संबंधित कोई भी समस्या है, अगर इस समस्या से आपको निजात पाना है तो आपको होली के अंदर पीली सरसों डाल देनी चाहिए, यानी पीली सरसों का कुछ दाने लीजिए और उसमें जलती हुई होली में डाल दीजिए और परिक्रमा करके आप घर आ जाइए। इस प्रकार अगर आप करते हैं तो आपको रोज़गार संबंधी प्रॉब्लम आपकी ख़त्म हो जाएगी, आपको अच्छा से अच्छा रोज़गार आपको जरूर मिलेगा। अगर आप एक अविवाहित हैं और आपको विवाह संबंध में प्रॉब्लम हो रही है, यानी कि आपका विवाह नहीं हो पा रहा है, बहुत बार प्रयास करने के बाद भी आपका विवाह सेटल नहीं हो पा रहा है, या आप एक वैवाहिक इंसान हैं यानी कि आपकी शादी हो चुकी है और शादी के बाद प्रॉब्लम कुछ आ रही है, इसके लिए आपको हवन सामग्री जो होती है, जो हवन की सामग्री होती है, आपने देखा होगा आजकल तो रेडीमेड भी मिलती है पुड़िया पुई, उसको आप डाल सकते हैं या फिर पांच छह चीज़ें जो उसमें होती है हवन की सामग्री में, उसको सबको मिला के भी आप उसमें हवन कर सकते हैं, मतलब उसमें आप डाल सकते हैं। अगर आप इस प्रकार से करोगे, यानी हवन की सामग्री अगर होलिका में आप डालते हो, तो आपको अगर विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह भी हो जाएगा और अगर विवाह संबंधी कोई प्रॉब्लम है, यानी वैवाहिक जीवन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो भी इससे दूर हो जाएगी। मान लीजिए आप एक नकारात्मक स्वभाव के व्यक्ति बन गए या आपके आजू बाजू जो लोग रहते हैं वो सारे नकारात्मक लोग रहते हैं और कुल मिला के आपके घर में और आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा आ गई है और आप उस नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हैं या अपने आप को उससे सेव करना चाहते हैं, तो आपको होलिका में काली सरसों के दाने जरूर डालना चाहिए। अगर आप काली सरसों के दाने डालते हैं तो आपको जो नकारात्मक ऊर्जा संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है तो वो इससे आपको जरूर मुक्ति मिलेगी। भूत प्रेत हो, चाहे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा हो, उससे आपको जरूर राहत मिलेगी। चलिए लास्ट में आपको मैं बहुत अच्छा उपाय बता रहा हूँ। मान लीजिए आप ये जितने भी मैंने अभी बताया वो कुछ भी नहीं करना चाहते, चलिए कोई बात नहीं, लेकिन आपको एक काम जरूर करना चाहिए। आप जब होलिका जल रही हो उस समय आप वहाँ जाइए, होलिका जलते समय होलिका को देखिए और आते समय जब होलिका ख़त्म हो जाए, होलिका जल जाए, उस समय आते समय आप वहाँ की जो राख है, लेकिन ध्यान रखें राख जो लाना वो लकड़ी की राख लाना है, ना कि आपको कंडे की राख लाना है।
तो लकड़ी की जो राख है वो थोड़ी देर में आपको, थोड़ी देर बाद आपको मिल पाएगी, क्योंकि लकड़ी में ज़्यादा देर तक गर्मी रहती है, गर्म रहती है वो। तो आप उस राख को अपने लाइए, किसी पुड़िया में, किसी थाली में, किसी में भी आप वो राख को ले आइए और घर पर आके उसका तिलक कर लीजिए, ठीक है। और जब भी आप किसी बड़े काम के लिए जाएँ, कोई नौकरी ढूंढने के लिए जाएँ, या कोई रोज़गार संबंधी कोई प्रॉब्लम के लिए जाएँ, या आप कोई शिक्षा यानी कोई आपको एग्ज़ाम देना उसके लिए आप जाएँ, किसी इंटरव्यू को फेस करने के लिए जाएँ ना, ऐसे कोई भी बड़े काम के लिए जब भी आप जाएँ, तो उसका छोटा सा तिलक आप जरूर लगाइए, उस राख का तिलक जरूर लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिस भी आप काम से जा रहे हैं उस काम में आपको जरूर सफलता मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।